एंड्रॉइड मोबाइल की मदद से अगर आप हर तरह का गेम और एप्लीकेशन बनाना सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ में घंटी बटन को याद करके प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो तुरंत ही आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोस्तों अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक आपको देखना है और अभी से ही वीडियो को कर दीजिए लाइक। हेलो, कैसे हैं सबके सब? नमस्कार, औरा पार्टी यूट्यूब चैनल में आप सभी को बहुत सारा स्वागत है और मेरा नाम है गोपाल। तो दोस्तों जैसे कि आपने पहले वीडियो में देखा, कलर टेक्स्ट व्यू इस तरह से डेंस टाइप का कर रहा है, तो इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट मारते हैं। तो सबसे पहले आपको स्केच ऑयर में एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और उसे ओपन करना पड़ेगा। तो इसको मैं कट कर देता हूँ, एक नया सिंपल से बना लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, एक मैंने लीनियर को लिया है और इसको, इसका जो ग्रेविटी है दोस्तों, उसका ग्रेविटी को हम कर देंगे सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर वर्टिकल, तो सिलेक्ट कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे इसका अंदर हम एक टेक्स्ट व्यू को रख लेंगे और इसका साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, देखने के लिए अच्छा लगेगा। इसका स्टाइलिश को बढ़ा देंगे, बोल्ड कर देंगे, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं दोस्तों 50। तो ये बराबर है, अभी ये रहा टेक्स्ट व्यू है, ठीक है। और यहाँ पे इसका आईडी हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा 23, ठीक है दोस्तों। हाँ, ये टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू इसका आईडी है, टेक्स्ट व्यू 23 है, ओके दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे देखिए कंपोनेंट में आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको टाइमर लेना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट एनिमेटर लेना पड़ेगा। ये देखिए एनिमेटर, तो इसका जो मैंने नाम रखा है डीडी करके और टीटी करके, तो सीखिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी, ठीक है, कर दिया डिलीट और इसे भी मैं कर दिया डिलीट। तो दोबारा ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेंगे इसका नाम ओ बी ऑब्जेक्ट, चलो इस तरह से ले लेते हैं। ओ मोटर, ओके दोस्तों, इस नाम से हमने ले लिया, उसको ऐड कर दिया। और हम एक टाइमर ले लेंगे, टी आई एम ई आर, इस तरह से ले लिया है और उसको हम ऐड कर दिया। अरे जा भाई नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट एनिमेटर कंपोनेंट और टाइमर दोनों कंपोनेंट को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। उसके बाद आपको जाना है इवेंट में, यहाँ पे ऑन क्रिएट का ऊपर आपको क्लिक करना है। तो चलिए कर लेते हैं क्लिक दोस्तों, इसका पर क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे एन यू एम बी ई आर इस नाम से आपको एक नंबर ले लेना है, नंबर का पर ओके करना है और यहाँ पे लिखना है नंबर, इस तरह से नंबर करके आपको ऐड कर देना है, जो मैंने पहले से ले कर रखा है, इसीलिए यहाँ पे अनअवेलेबल दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने नंबर पहले से ऐड करके रखा है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा कंपोनेंट में, कंपोनेंट में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या क्या किससे इसे लेना पड़ेगा, आपको इसे लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको इसे लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये मोड को लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको काउंट को लेना पड़ेगा, किधर गया ये रहा, उसके बाद आपको स्टार्ट को लेना पड़ेगा। देखा दोस्तों आपने, इस तरह से आपको ले लेना है और आपको सिंपल से इस तरह से बना लेना है। बनाने के बाद आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट एनिमेटर जितने भी है उसको सेट कर देना है। तो चलिए हम सेट कर देते हैं इससे, इस तरह से आपको सेट कर देना है, सभी में सेट कर देना है, नहीं तो आपका काम नहीं होगा दोस्तों। बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है, आप वीडियो में देख के बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सेट टारगेट व्यू, आप किसका ऊपर ये सब सेट करना चाहते हैं, तो जो हमने टेक्स्ट व्यू लिया था आपको याद है दोस्तों, टेक्स्ट व्यू 23, तो उसी का ऊपर हम इसको सेट कर देंगे, सिलेक्ट कर देंगे, हम इसे बैक कर देंगे दोस्तों। ये रहा, ये हमारा टेक्स्ट व्यू 23, मैं आपको यहाँ पे दोबारा दिखा देता हूँ, ये रहा टेक्स्ट व्यू 23। चलते हैं यहाँ पे इवेंट में, ऑन क्रिएट में हमने इसे यहाँ पे क्यों बनाया, क्योंकि जब भी हम अपने एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली काम करेगा, इसीलिए हमने इसको ऑन एक्टिविटी क्रिएट में बनाया है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सेट करना बता रहा है, टारगेट प्रॉपर्टी ये सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा, रोटेशन का देख लीजिए, बहुत सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये सभी का रिलेटिव मैंने पहले से वीडियो बना के रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। उसके बाद हमने टाइम बचाने के लिए पहले से ही बना के रखा है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पे इसको सिंपल से मैं यहाँ पे लगा दूंगा दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों ये कैसे बनाया है। यहाँ पे देखिए हमने टाइमर लिया है, टाइमर का जो कंपोनेंट लिया था उसका अंदर हमने 20 से 20 ms जो टाइम है हमने यहाँ पे सेट करके रखा है, और नंबर को हमने सेट किया है पिक रैंडम नंबर, ये जो है और ये जो है
ये आपको ऑपरेटर के अंदर मिल जाएगा, ये जो ऑपरेटर है इसका अंदर आपको मिल जाएगा। आप इस कलर को फॉलो कीजिए तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा ये ब्लॉक। तो यहाँ पे हमने रेंडम 1 से 20 तक कर दिया है, और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट व्यू है 23 23 23 23, नंबर अगर एक होगा तो ये कलर शो करेगा। यहाँ पे हमने कलर दे दिया है, देखिए कोई भी आप कोई भी कलर दे सकते हैं, सेट टेक्स्ट कलर। तो टेक्स्ट व्यू 23 में ये टेक्स्ट कलर सेट हो जाएगा, ये कलर सेट हो जाएगा। अगर दो होता है तो ये कलर सेट होगा, अगर थ्री होता है तो ये कलर, कोई भी आप यहाँ पे रेंडम कलर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई भी एक कलर दे दिया मैंने, यहाँ पे कोई भी एक कलर मैंने दे दिया है। तो दोस्तों आप यहाँ से देख लीजिए, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इजी है बनाना, तो आप इसी वीडियो में देख के ही आप इसे बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कोई भी एक कलर सिलेक्ट करना है, कोई भी कलर आपका मनपसंद जो भी कलर है आप लेना चाहते हैं, आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। और बाकी आप वीडियो में देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके, ठीक है, और आप इस तरह से बना लीजिए। तो चलिए दोस्तों अभी हम इस वीडियो मतलब ये जो प्रोजेक्ट है इसको हम रन करेंगे। रन करने के बाद दोस्तों मैं आपको ये दिखा देता हूँ, देख लीजिए आपने, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए, वीडियो का क्वालिटी ज़्यादा कर लीजिए और देख लीजिए और बना लीजिए अगर आपको बनाना है तो। तो चलिए दोस्तों हम इसको अभी इंस्टॉल करते हैं, ओके। और इंस्टॉल करने के बाद हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों, बनाना ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो का यूट्यूब का जो एप्लीकेशन है ना वहाँ पर वीडियो का क्वालिटी बेकार आता है, तो आप क्रोम ब्राउज़र में डेस्कटॉप मोड में जाके वीडियो का क्वालिटी आप HD में कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत तरीके से, यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए है ना, मैं ऐसा ही कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये जो टेक्स्ट है ये काफ़ी डांस कर रहा है, वो भी अलग अलग कलर में, है ना, अलग अलग कलर में ये टेक्स्ट व्यू जो है ये डांस कर रहा है। दोस्तों आप इसको अपने तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, सिर्फ यही नहीं आप और भी तरह तरह का स्टाइलिश और डिजाइन बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो ये जो मेन चीज़ है ना ये है ऑब्जेक्ट एनिमेटर। तो आप अगर आप इसके अंदर कुछ छिड़कन करते हैं तो ये अलग अलग तरह तरह का बन जाएगा। अगर इसका रिलेटिव अगर आपको मालूम नहीं है तो हर चीज़ का रिलेटिव मेरे चैनल में वीडियो बना हुआ है, आपको देखना है और सीखना है और अपना खुद का मनपसंद गेम या फिर एप्लीकेशन बनाना है। और बहुत सारे एप्लीकेशन या सॉरी प्रोजेक्ट वो भी आपको मिल जाएगा इसके सीआरए में, ठीक है। तो ऐसा ही था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आप नया है या फिर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी बटन को याद करके प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए अपलोड करूंगा तो तुरंत ही आपके मोबाइल में सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बस दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया जबरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय।